सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आ चुके हैं हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप लेके। वीडियो में क्या है गाइज, क्योंकि 2nd of November था, ठीक है, बिकॉज ऑफ डैट गाइज आज बर्थडे था मेरा। एंड हम लोग दिन भर से कहीं नहीं गए, हम लोग घर में ही थे, मंदिर वगैरह गए थे, जो भी था नॉर्मल प्रोसीजर किया था। एंड शाम को ज़्यादा स्पेशल नहीं किए, बट नॉर्मल किए हैं। हाँ, तो ये हेवन, शुभ हेवन नाम से एक रिसोर्ट है जहाँ पे हम लोग गए हैं। होटल है, बेस्ट है भाई ललितपुर में, आई थिंक सो इससे अच्छा होटल कहीं नहीं होगा, सबसे बेस्ट है भाई। एक लोकेशन, सूट वाइज, फूड, टेस्ट, एवरीथिंग गाइस सबसे बेस्ट है गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे हम गए थे, हम खुशी, हम लोग सभी सारे गए थे। सो गाइस हम लोगों ने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, नॉर्मली एक ठीक ठाक सा छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। मैं यहाँ फाइनली बैठ चुका था, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ रिसोर्ट कैसा है बाहर से। भाई साहब जहर लेवल लुक था गाइस, काफ़ी अच्छा लुक था यार यहाँ का। सो गाइस काफ़ी अच्छा इंटीरियर भी था, एक्सटीरियर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मतलब रिव्यू काफ़ी अच्छा होटल का, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। हम लोगों ने सोचा यहीं पे छोटा सा सेलिब्रेशन हो ही जाए फाइनली, और बाकी सेलिब्रेशन करने वाले थे हमारे दोस्त लोग। ये रिव्यू है काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा तो गेट है भाई, ये सामने खुशी खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी है जैसे होटल में, होटल ही इसका, देख रहे हो ऐसे खड़ी है, मालिक है जैसे, ये बॉस घूम रहे हैं, मतलब होता है। ये मैं ही बैठा हूँ, मैं सोचा थोड़ा रिलैक्स हो जाए यार, क्योंकि इन लोग को केक में खिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो गाइस जब बारी आती है केक को देखने की, कितने डब्बे आते हैं, 1, 2, 3, 4। ये हमारे भाई अनुज भाई कप्तान है, अनु है, खुशी है, एंड ये पूरा होटल बाहर। हम लोग ने सोचा बाहर ही काटेंगे, दोनों के के डॉक्टर यश, यश भैया के नाम का भी है, मेरे नाम का भी है, कहूँ ये मेरा प्रॉपर है, 4 डिजिट का सेट है, 4 अल्फ़ाबेट है, सॉरी YADUN2 मोर टोटल। और ओवरऑल गाइज 6 से 7 केक थे, 6 केक थे अराउंड। हाँ बाहर से देख रहे हो गेस्ट निकल रहे हैं भाई, हम लोग इधर पटाखे वगैरह अरेंजमेंट करने वाले हैं, मतलब इन लोग का प्लानिंग ऐसा था जैसे शादी करवाने वाले, ये स्मोक बॉम्ब लेके खड़े हैं कुछ, कई कुछ, मतलब नॉर्मल सेलिब्रेशन था हम लोग का काफ़ी, मतलब वैसे मूड नहीं था सेलिब्रेट करने का, लेकिन हम लोग फिर भी कर रहे थे गाइज। यार अनु भाई हैं जो कि कह रहे हैं भाई इधर से हटा दो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फ़ोटो वीडियो सब कराओ, बोले ठीक है भाई हटवा देते कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टर ऑल भाई अब बारी आती है सेटलमेंट की, मतलब प्लान हो रहा था कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे, जैसे मतलब पहले पटाखे फोड़ेंगे, फिर कैंडल जलाएंगे, फिर केक कट करेंगे। तो एक ने बोला केक को नहीं अपन उससे काटेंगे, आईफोन से। मैंने बोला क्यों नहीं, आईफोन से नहीं काटना है अपन को, नॉर्मली काटते हैं यार, नॉर्मल सेलिब्रेशन कर रहे थे भाई, नॉर्मली कटे ना गाइस। फिर भी भाई थैंक यू सो मच एवरीबॉडी भाई, जिस चीज़ ने मुझे विश किया था, एंड थैंक यू फॉर योर गुड ब्लेसिंग्स गाइस। देख रहा कैंडल ऐसे लगा रहे भाई साहब जैसे, ये देख रहा बाबे क्या कर रहे हैं ये ऐसे देख रहे, नहीं इधर लगाओ, अरे उधर लगाओ, अरे घुसा ही दो, मतलब कैंडल नहीं लग रही थी भाई, डिजिट्स अल्फाबेटिकल थे ना केक्स एक्चुअली। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी गाइस, काफ़ी मज़ा आया था, छोटा सा एंजॉयमेंट किया हम लोग ने। बट हाँ यहाँ पे हमारे फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि कोई जाने वाला था नहीं, और हम लोग भी अकेले गए थे, फिर हम सभी लोग, अनु के चाचा भी हम लोग के साथ में थे जिसको हम टेड मैक्स के नाम से जानते हैं। एंड अब डिसीजन हो रहा है, क्या तो हो रहा था भाई, पीछे गेस्ट जा रहे हैं, गेस्ट देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है इधर मतलब होटल गेस्ट थे भाई, पहले पॉम्प फोड़ेंगे, फिर ये करेंगे, पहले ये कैमरा बनाएंगे, अरे नहीं जो होता है देखने दो। खैर सबसे ज़्यादा केक खाने के लिए बैठा इंतज़ार करने वाला अनु था। ओ भाई साहब जल्दी करो केक खाना है। एंड ये हम थोड़े सा तैयार थे, हमारा प्लानिंग हो चुका था फाइनली, काफ़ी टाइम होने के बाद प्लानिंग हुआ। प्लानिंग होने के बाद गाइस हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा सेटलमेंट होगा, पहले पटाखे फोड़ेंगे फिर केक जलाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, तो पहले केक को हम लोगों ने जूम इन पोज पे लिया था, 4 डिजिट का केक था, थैंक यू सो मच फॉर द केक भाई एवरीबॉडी गाइस। एंड 2 केक अलग से थे, एंड ये पटाखे का बॉम्ब रेडी हो गया था फाइनली, केक का फ़ोटो लेने वाला था, ले चुके हैं मोहित लोग। सो फाइनली भाई वेट नहीं हो रहा था यार, काट लेते, बोले मोहित रेडी थे पटाखे जलाने के लिए, स्काई शॉट, एंड ये लगाई, देख रहा फट कितनी थी, देख रहा ये गया बूम ऊपर, अरे जाओ ना, पटाखा भी फुसकी निकला मोहित के जैसे।
लेकिन ठीक है यार, एवरीबॉडी यार काफ़ी इंजॉय किया भाई, धुआं छोड़ दिया, लेकिन स्काई शॉट नहीं निकला। 3, 2, 1 निकल जा, 3, 2, 1 ये बूम गाइस, फाइनली भाई साहब जहर लेवल मजा आया था, स्काई शॉट जलाया हम लोगों ने फाइनली। स्काई शॉट में 30 राउंड थे अराउंड हम लोग के पास, एंड ये काफ़ी बूम बाम बूम बाम बूम बाम, मैं कहता हूँ हो ही रहता भाई। सो भाई अब बारी आती है क्या, पहले स्काई शॉट का व्यू देखते हैं यार, मतलब काफ़ी प्यारा लग रहा था यार। देखो ना ही कोई शादी का टाइम है ना ही कुछ है, फिर भी हम फोड़ ही रहे, मतलब लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे अरे किसी की शादी है, लेकिन नहीं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे भाई साहब। स्काई शॉट ख़त्म होंगे फिर हम केक जलाने वाले, कैंडल जलाएंगे फिर हम केक काटने हैं। केक गाइज एक चीज़ बताऊँगा गाइज, किसी को केक खाने भी नहीं मिला, पता है बहुत रेयर ही मिला होगा, क्योंकि केक की जो हालत थी वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा मैं गाइज। तो अभी फाइनली हम लोग गए, पास में आए, एंड हाँ मोहित की बारी है, तो इसका कैंडल जलाने का तरीका देखेगा गौर से गाइज। किसी को कैंडल जलाने में अगर दिक्कत हो रही तो मिस्टर मोहित राजपूत जी से संपर्क करें, जिनसे कैंडल नहीं जलती हमारे भाई से, नहीं जलाने को तो बहुत कुछ जला देता है वो लेकिन फिर भी ये नहीं जला। उसने क्या किया कि पहले एक उठा दिया, उसने पहले दोनों एक साथ को जला दिया उसने दोनों एक साथ जला दिया, उसने फिर उसको वापस रखा, देन फिर एक पहले वाला फूसड़ निकल गया, हम लोगों ने फिर केक काटे। इसको ना चारों साइड से साफ कर दो, ब्रेड ब्रेड खा लो भाभी, बाबा कछु और आ रहा है तो कह रहा आईने है, बहुत मस्त वीडियो आ रही, जल्दी जल्दी है, मस्त आ रही पकड़ के खिला रहा है, निकाल निकाल खाना है ना, भूख लग रही यार, काम में है आ खुशी, जल्दी आ खुशी, जल्दी जल्दी आ तो रहे 2 मिनट साथ जल्दी साफ करने लगी जी, तो चल भाई ये पहले यदु को हो जान दो, फिर एक एक करके हवा हो जाए, रुक तो जा, अरे रुको तो जाओ, ला लेना सबको, फोटो को पहले वीडियो बना रहा, राइट वीडियो पहले हम डाल दे, अरे दोनों एक, अरे अभी डाल दियो, अरे रुक जा पहले यदु को खिलाओ, हटा तुम काटना दे रहा हूं। सो गाइज फाइनली एक एक करके सभी को केक खिलाएंगे, कैसे गाइज आप लोग देख सकते हो केक की हालत बची नहीं है, मतलब केक पे सबसे ज़्यादा स्मोकी था और स्नो वाला वो था, एंड वो बॉम्ब शॉट था गाइज। बाप रे भाई इतना प्यारा केक था, मैंने तो यही सोचा था केक को 5 केक है तो एक एक दिन सारे केक को खाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ, बाबे को मैंने केक खिलाया, अपने भाई को, देन आफ्टर ऑल हमने सभी को एक एक करके पार्टली वाइज गाइज हमने केक खिलाया है, एंड काफ़ी अच्छा लगा है, जो भी सेलिब्रेशन हुआ छोटा सा काफ़ी अच्छा लगा है इनफैक्टली हम लोगों को, एक एक करके सब लोगों ने, हम लोग चाचा आ गए थे, चाचा को भी हम लोगों ने केक खिलाया फाइनली। अरे चाचा खा भी लो, चाचा कह रहे बस हो गया यार अब नहीं है यार अरे सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला शख्स मोहित ही है इधर, और कोई नहीं लग रहा मुझे भाई, हो गया हो गया भाई, कितना केक गंदा करोगे यार अनुज भाई को हम केक खिलाएंगे फाइनली, एंड धीरे धीरे प्रोसेस है अपना, सभी को केक खिलाएंगे, दोनों अलग मस्ती मार रहा पीछे से, भाई साहब चुपचाप खड़े रहो भाई, केक नहीं मिला खाने, देख रहे हो कितना कितना सा केक खा रहे, कहाँ प्लान था, लेकिन हाँ किसी ने केक कुछ वेस्ट नहीं किया, ये बात तो मानना पड़ेगा गाइस, केक वेस्ट नहीं है एक्चुअली। सो गाइस फाइनली अब यश भैया की बारी थी, एक एक करके उन्होंने सभी को केक खिलाया, पहले मोहित भाई फिर अनुज, अनु सभी को खिलाया है, कप्तान भाई को भी,
एंड एवरीथिंग। सो गाइस काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, काफ़ी अच्छा लगा इनफैक्टली। ऐसा नहीं है, ये देख रहा मस्ती देखो, मतलब पहले तुम नहीं पहले मैं खिलाऊंगा, अरे डॉक्टर पहले डॉक्टर को खिलाएगा, ऐसा वाला सीन था। अरे जल्दी खिला दो क्योंकि केक गंदा हो गया था एक्चुअली यार, काफ़ी ज़्यादा। देख रहे हो गाइस केक तो देखो, हालत तो देखो भाई साहब, जल्दी जल्दी खिलाओ केक, एक एक करके सभी को केक खिलाना है हमें। और उसके बाद गाइस क्योंकि हमें घर भी जाना था, क्योंकि घर में हम लोग का ये ऑर्डर था कि हम लोग सारा खाना बाहर से पैक करवा के घर में सभी को देने वाले हैं, इनफैक्ट अनु के घर में भी देने वाले थे और दिया है, ऐसा नहीं है। बट हम लोग शूट नहीं कर पाए क्योंकि गाइस अब जानते तो हो आईफोन कितना साथ देता है, समझ लो। कप्तान भाई है जिन्होंने केक खिलाया यश भाई को फाइनली गाइस, साहब बहुत मज़ा आया भाई, जिन जिन जो जो लोग आए थे गाइस थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी कमिंग एंड इतना छोटा सा सरप्राइज, इतना अच्छा मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा नहीं, एंड थैंक यू सो मच। ये तो अलग ही घूम रहा है यार मोहित, तो अलग ही है, अलग लेवल में है भाई, फोटो नहीं वीडियो शूट हो रहा है यार एक एक करके बाबे केक खिलाएंगे। ये हमारे यश भाई के फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे पुराने दोस्त हैं हमारे भाई, खिलाओ जल्दी खिलाओ। अरे एक नंबर, वो मेन क्या ना वीडियो का फ्लैश ऑन नहीं था, ओहो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेमोरीज मस्ट, भले जैसी चाहे हो। अभी अनुज भाई आएंगे वो खिलाएंगे फाइनली, जल्दी खिलाओ जल्दी खिलाओ जल्दी खिला दो खिला दो खिला दो। तो भाई खा लिया केक फाइनली एवरीबॉडी, गाइस सबका हो चुका था एंड फाइनली गाइस मतलब मज़ा आया गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर दिस बूम। सो गाइस 5-6 केक काट लिया फाइनली हम लोगों ने एंड पूरे बाल वगैरह एंड सब कुछ ख़राब हो चुका है फाइनली, और इसी के साथ केक का हालत तो ख़राब हो चुका है क्योंकि स्काई शॉट भी काफ़ी चले एंड फोटोज़ भी काफ़ी देखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी गाइस जिनने मुझे विशेष किया था, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी गाइस, लव यू एवरीबॉडी। सो भाई ये होटल भी काफ़ी अच्छा था इनफैक्टली, एंड हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट करना था क्योंकि गाइस मैं इंस्टा पे काफ़ी अच्छी रील्स बना रहा हूँ, आप लोग जैसा कि देख रहे हो ऑलवेज की तरह। एंड जब मैं अंदर गया था गाइस देखना, केक कटने के बाद मैं तो मैं बाहर शूट कर रहा था, मैंने केक वगैरह को पैक किया था, दो प्लेट में भूख लग रही थी खाना खाने के बाद गाइस हम लोगों ने ग्रुप फोटो निकाला है। ग्रुप फोटो के बाद गाइस हमारा यहीं पे खत्म होता है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।